Hello students, today I am present here with a new and interesting activity is Rhythmic Ladybird. Through this activity we will learn about watercolor technique and rhythmic. Rhythm, a regular repetition of the element of art. Art mein elements ka bar bar use hota hai aur usse ek creation banti hai, ek picture banti hai. To us picture ke through jo hai, mein ye mehsoos hota hai ki ye ek rhythm mein hai, movement mein hai. तो यहाँ पे एक लेडी बर्ड दिखाया गया है, इसे देख के हमें ऐसा लगता है कि ये एक चल रहा है, ये एक मूवमेंट में है. ओके, वी नीड सम रिसोर्स एंड टूल फॉर एक्टिविटी एज ए आर्ट बुक, ब्रश, पेंसिल, कलर एंड कलर प्लेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू राइट हेयर द डे, डेट एन एच डब्ल्यू. यहाँ पे मैं पोस्टर कलर ले रहा हूँ, लेकिन उसको वाटर कलर टेक्निक में यूज़ करना है. यानी कि वाटर कलर में हम वाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं और पोस्टर कलर में उसको डीप यूज करते हैं. तो मैं यहाँ पे पहले रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ. तो इस तरह से ही हम इसको ये शो करेंगे, लाइक दिस. ये इसमें मैंने रेड कलर लिया है. तो इसमें आप चेक करेंगे कहाँ पे रेड किया हुआ है, कहाँ पे डार्क किया हुआ है. तो इस तरह से इसको स्प्रेड करते जाएंगे. और मैंने यहाँ पे राउंड ब्रश यूज़ की है. तो इस तरह से हम इसमें वाटर ज़्यादा लेंगे ये, और इसमें जो कलर है बिल्कुल जो है रेड ने दिख के डार्क हो रहा है. तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक कलर यूज कर लेंगे. तो इसमें क्या हो जाएगा, जो है रेड जो है वो डार्क रेड हो जाएगा. इस तरह से, इस तरह से इसको हम यूज करेंगे. तो वाटर कलर टेक्निक में हम वाइट कलर यूज नहीं करते हैं, और वाइट कलर सरफेस जो होता है हमारा, वाइट शीट जो होती है उसी में जो है शो करते हैं, उसी के अंदर से उसको शो करते हैं वाइट. तो यहाँ पे मैं जो है रेड और ब्लैक कलर यूज़ करते हुए इसको डार्क रेड दिखा रहा हूँ. इस तरह से आपको इसको शो करना है. इसमें हम वाटर ज़्यादा लेंगे. मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है रेड. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक. तो ब्लैक जो है मैं यहाँ पे इसमें डार्क, मीडियम और लाइट्स का इफेक्ट दिखाऊंगा. इस तरह से उसके डॉट्स में ब्लैक सर्कल बनाने के लिए इस ब्रश के इस पॉइंट को हम यूज करेंगे. ये इस तरह से इसके ब्लैक डॉट्स दिखाएंगे हम. और जब हम कलर कर रहे हैं तो उसमें एक टेक्निक और यूज़ करेंगे हम. ये जो हमारी फिंगर है लिटल वाली, इसको हम बुक के ऊपर रखेंगे और ब्रश को जहाँ पे हम कलर कर रहे हैं वो उस सरफेस के ऊपर रखेंगे. इससे क्या होता है, हमारी फिंगर से हमारे हाथ का बैलेंस बना रहता है, और उसमें जो है मिस्टेक नहीं हो पाती है. यानी कि हाथ नहीं हिल पाता है तो उसमें हमारा कोई करेक्शन भी नहीं होगा. इस तरह से हम इसमें कलरिंग करेंगे. ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखते हुए हम कलरिंग करते जाएंगे.
तो इसमें आइस को जो है डार्क लाइट के थ्रू इसको शो करेंगे इस तरह से। और ये इसमें हम करेंगे बस इस पॉइंट को हमें लैग के लिए और इसके ये जो हेयर्स होते हैं एंटीनाज होते हैं इसमें इस तरह से यूज़ करेंगे लाइक दिस। ये इस तरह से ऐसे इसके स्टॉक पेचेज लगा देंगे इसके अंदर। इसी में जो आपके डार्क लाइट के ये स्टॉक्स आ जाएंगे लाइक दिस। उसके तो जो इसकी लाइनिंग है वो दिखाई नहीं दे, इसको ध्यान में रखते हुए इसको कलरिंग करनी है हमें ये इस तरह से। ऐसे स्टॉक्स लगाएंगे ये लाइक दिस। लाइक दिस बिल्कुल ईजी है। ये इस तरह से ये कंप्लीट कर देंगे इसके अंदर ये इस तरह से। इसकी लाइनिंग नहीं दिखाई देनी चाहिए जो ड्रॉ किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसको ये कंप्लीट कर दिया है, जहाँ पे भी इसमें कमी रहती है उसको हम एक फाइनल टच के थ्रू जो है इसमें कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा अब कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो ये जो लेडी बर्ड है ये एक मूवमेंट में दिख रहा है, रिदम में है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू जो हमने आज क्या सीखा है, वाटर कलर टेक्निक और रिदम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।